स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स में कॉलेज लाइफ का एक्साइटमेंट भी होता है और थोड़ी सी फिक्र भी कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हुआ करती है। इसीलिए हर स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहता है। लेकिन ये अच्छा कॉलेज क्या होता है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, किन पॉइंट्स के बेस पर पहचाना जाए कि कोई कॉलेज अच्छा है या नहीं, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अपने लिए परफेक्ट कॉलेज मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आपको ऐसी टॉप 9 इफेक्टिव एंड हेल्पफुल टिप्स मिलने वाली है जो अपने लिए परफेक्ट ग्रेजुएशन कॉलेज सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प जरूर करेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि 9 पॉइंट्स में मिलने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट टिप छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉलेज कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। कोई भी कॉलेज चूज करते टाइम सबसे पहले ध्यान में रखने वाला पॉइंट यही होता है कि वो कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, क्या उस कॉलेज में आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, जो स्पेशलाइजेशन आपके प्रेफरेंस में है क्या वो उस कॉलेज में उपलब्ध है। इस तरह की क्वेरी आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए और उसे क्लियर करने के बाद ही अगले पॉइंट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट तो कहलवा देता है, लेकिन उनकी करियर की गाड़ी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चल पाती। इसीलिए ऐसा करने से पहले सोचिए। दूसरा पॉइंट है कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। कॉलेज में अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो स्टूडेंट के करियर की राह काफी आसान हो जाती है, इसीलिए उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर से चेक करें और पता लगाए कि वहाँ पर कितनी कंपनीज विजिट करती हैं और किस लेवल की कंपनीज प्लेसमेंट के लिए उस कॉलेज में आती है, ताकि आपको उस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैंडर्ड्स का अंदाजा हो सके और अगर वो आपके लेवल से मैच करता हो तो आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखें। पॉइंट नंबर 3 है कि कॉलेज का स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई का माहौल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है उसी तरह से स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ती या रुक जाती है। इसलिए एडमिशन से पहले कॉलेज के स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज पुअर स्टडी एनवायरनमेंट में स्टॉप थोड़े ना करनी है, बल्कि आपको तो फर्राटे के साथ आगे बढ़ना है, जिसके लिए एक हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट कंपलसरी है। इसलिए पता लगाइए कि क्या उस कॉलेज में स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा वर्कलोड डाला जाता है या फिर बहुत ही आसान तरीके से सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए बेस्ट रिजल्ट के लिए तैयार किया जाता है। इसके बारे में आप पिछले साल के स्टूडेंट से थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं और ये सारी जानकारियां आपको कॉलेज के प्रोस्पेक्ट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स, कॉलेज का माहौल और फैकल्टी से मिलकर के मिल जाएगी। इसके अलावा क्लासरूम फैसिलिटीज और उस कॉलेज के टॉपर्स के बारे में जानकर के भी इस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उस कॉलेज का हेल्दी एनवायरनमेंट है या नहीं। आए दिन वहाँ पर स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होते रहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट स्टडी को लेकर के सिंसियर हैं या वहाँ पर सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा माहौल नहीं है, ये सब भी आपको पता करना होगा, आखिर आपके फ्यूचर का सवाल है। पॉइंट नंबर 4 है उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। जिस पर्टिकुलर कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पर आप एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं उसकी फैकल्टी के बारे में जरूर से पता कीजिए कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाने के नए तरीकों का यूज करते हैं या नहीं, उस कॉलेज की फैकल्टी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए किस तरीके के एफर्ट्स करती है, कहीं आपके कोर्स की फैकल्टी सिलेबस कंप्लीट करने का ही टारगेट तो नहीं रखती। इन सब बातों को जानने के लिए आप पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड फैकल्टी के बारे में और उस कॉलेज की फैकल्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है उस कॉलेज के कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना फीस के तो एडमिशन मिल ही नहीं सकता। इस पॉइंट को कंसीडर करते समय आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस जरूर करें, ताकि आप मिलकर के ये डिसाइड कर सके कि पर्टिकुलर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली आपके इंटरेस्ट के कोर्स की फीस, आपके लिए सूटेबल तो है ना, और लास्ट मोमेंट पर आपको एडमिशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो इस बारे में जरूर से सोचिएगा और बात कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 है कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कैसी होती है। हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना जितना जरूरी होता है उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्ट लेना भी होता है, और फिर ये जमाना तो ऑलराउंडर का है, इसलिए हर बड़ी कंपनी ऐसे ऑलराउंडर्स को ही जॉब में प्रेफरेंस दिया करती है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप पर्टिकुलर कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में भी पता करें, ताकि आप उनका हिस्सा बन सके
और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हुए ऑलराउंडर बनने की तरफ आगे बढ़ सके। आगे पॉइंट नंबर 7 है, उस कॉलेज में फाइनेंशियल एड के लिए क्या ऑप्शंस हैं। अब कॉलेज चाहे अपनी कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में, आजकल एजुकेशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि फाइनेंशियल एड का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, और इसकी बदौलत ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाई करना भी पॉसिबल हो पाता है जहाँ की फीस अफोर्डेबल ना हो। इसीलिए कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम वहाँ पर ऑफर किए जाने वाले फाइनेंशियल एड्स के बारे में भी जरूर से पता लगा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है, कॉलेज कैंपस की लोकेशन क्या है। जिस किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी लोकेशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो आप ही के एरिया में है या कंट्री के किसी दूसरे कोने में, क्या आप उस लोकेशन तक रोजाना आसानी से पहुंच सकते हैं, क्या आप कैंपस पहुंचने के एक्सपेंसेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्या कैंपस के आसपास का माहौल स्टूडेंट लाइफ के लिए सही है। ये सारे पॉइंट्स भी आपकी स्टडी और कॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए ऐसी जानकारियां भी जरूर से कलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 9 है, उस कॉलेज की हॉस्टल और मेस फैसिलिटी कैसी है। ऐसे स्टूडेंट जो घर से दूर आकर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उन्हें हॉस्टल का ऑप्शन चूज करना होता है, वो हॉस्टल लाइफ को भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करें। वहाँ पर कैसा माहौल है, किस तरह की सुविधाएं ऑफर की जाती है, आपको वहाँ पर किस तरह के लोग मिलेंगे और वहाँ हेल्दी फूड मिलता है या नहीं, हॉस्टल से जुड़ी ऐसी सभी जरूरी बातें पता करें, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको एक लंबा टाइम हॉस्टल में ही बिताना पड़ता है और वहाँ की लाइफ आपकी जिंदगी को, करियर को और आपकी पर्सनैलिटी को काफी हद तक अफेक्ट भी करेगी। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप इन 9 पॉइंट्स में बताई गई टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज ही होगा। तो कॉलेज चूज करते टाइम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें, और अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, इसने आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे आगे कोई दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए, और साथ ही साथ हमेशा ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।